हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि एप्सन की ओरिजिनल इंक कहां से ख़रीदें और इसका ओरिजिनल प्राइस क्या है और ये इसका खासियत क्या है, इसको आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास एप्सन L805 प्रिंटर का ये इंक है। ये 6 टैंक वाला इंक प्रिंटर होता है। दोस्तों, मैं आपको पहले एक बार प्रिंटर दिखा देता हूँ। तो ये प्रिंटर कुछ इस टाइप से होता है। इसको जब आप ख़रीदने जाएंगे तो आप लोग को आजकल इसके रेट बहुत हाई चल रहे हैं, लगभग 36-37 हज़ार चल रहा है। जब मैंने इसको ख़रीदा था 20 हज़ार में ख़रीदा था। इसका इंक टैंक आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर 6 टैंक वाला है। दोस्तों, ये यहाँ पर काउंटिंग करेंगे 6 अलग अलग इंक पड़ती है इसमें। तो ये बहुत ही बेस्ट प्रिंटर है दोस्तों। इस प्रिंटर को आप लोग ख़रीद सकते हैं। इसमें आप लोग PVC कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, जैसे कि मैं ये करता हूँ। इसमें PVC कार्ड प्रिंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और ईश्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड, ये सभी कार्ड प्रिंट होते हैं दोस्तों, PVC कार्ड। और इसके साथ में आप लोग इसके बेहतरीन फ़ोटो निकाल सकते हैं। फ़ोटो क्वालिटी इसकी बहुत ज़बरदस्त है। देख सकते हैं प्रिंटर L805, तो इसी का ये इंक है दोस्तों। तो इंक के लिए आपको करना क्या है, तो चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ इसको। सबसे पहले आप लोग कोई भी जब ये एप्सन का इंक लेंगे तो उस पर ये हॉलमार्क होना ज़रूरी है दोस्तों, एप्सन का। देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल, ये देख सकते हैं, आपको ये लेबल होना बहुत ज़रूरी है, जेन्युइन इंक के लिए होता है दोस्तों। और इसमें देख सकते हैं यहाँ पर स्टिकर भी लगा है। आप लोग बाज़ार से लेंगे तो ये कम से कम आपको, अगर आप लोग बाज़ार से सभी इंक एक साथ ख़रीदेंगे तो आपको कम से कम 3600 से 4000 के बीच में पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इसको यूज करता हूँ, मुझे 3600-3800 ऐसे 4000 के बीच में पड़ता है। और जब भी आप इसको ऑनलाइन लेंगे तो ऑनलाइन में आपको डुप्लीकेट भी मिल सकता है। तो इसलिए कोशिश करें आप लोग जेन्युइन दुकान से ही ख़रीदें, क्योंकि ऑनलाइन में इसमें डुप्लीकेट मिलती है। तो ये आपकी ओरिजिनल इंक है दोस्तों। यहाँ पर से देख सकते हैं आप कुछ इस टाइप से होगी और इसका बैक में आएंगे तो ऐसा रहेगा। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो एक इंक देख सकते हैं यहाँ पर 609 रुपये के दिखा रहा है। और ये प्राइस कभी कम कभी ज़्यादा होती रहती है। देख सकते हैं यहाँ पर ओरिजिनल है दोस्तों। अब एक बार इसको मैं खोल के भी दिखा देता हूँ आपको, ये किस टाइप से है। तो ओरिजिनल इंक की एक और ख़ास बात होती है दोस्तों, जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो आपके साथ कुछ ऐसे सील पैक में आता है, इसका यहाँ पर से एयर निकला होता है। लेकिन जो भी आप लोग डुप्लीकेट इंक लेंगे उसमें ये वाला नहीं होता है ऐसा। तो इस बात का ध्यान रहे दोस्तों। देख सकते हैं ये ओरिजिनल इंक है, तभी इसमें इस टाइप से लगा आता है। तो इसी टाइप से ये सभी इंक है दोस्तों। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आप लोग को दिखाने की कि ये इंक कैसे लोड करते हैं एप्सन L805 में। तो ये इंक है, सबसे पहले हमें इसकी पन्नी को अलग कर लेना है। तो चलिए हम लोग एक बार इसकी पन्नी को अलग कर लेते हैं। उसके लिए हमें एक कटर लेना पड़ेगा और यहाँ पर से हमें काट देना है। इसी तरीके से ऐसे करते करते हम लोग सभी की पन्नियों को अलग कर लेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर से इंक इस टाइप से इसकी पन्नी आती है दोस्तों। ये जेन्युइन इंक है, तभी इसमें इस टाइप से लगी हुई है। अगर आप लोग लोकल लेंगे, मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप लोग कभी भी इंक ऑनलाइन ना ख़रीदें, कभी भी इसको अपने आस पड़ोस के दुकानों से ही ख़रीदें जो कि जेन्युइन सेलिंग करते हों। देख सकते हैं ये यहाँ पर ही देख सकते हैं, ये पूरा डिटेल दिया गया है दोस्तों। ये जेन्युइन इंक है दोस्तों। ये मुझे 3600-3700 ऐसे पड़ता है। तो इसी टाइप से हम लोग सभी खोल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने सभी का यहाँ पर कवर से हटा लिया है। अब ये इंक कैसे डालते हैं इसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, हम अपने प्रिंटर में चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा प्रिंटर। और सबसे पहले आपको इसका देख सकते हैं यहाँ पर इंक टैंक को आपको ऐसे लिटा लेना है अच्छे से। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों, मैं इसको वीडियो को जो ऊपर से दिखा देता हूँ कि जितने भी कोड वर्ड हैं सेम यही कोड वर्ड में आपको इंक डालनी है, कोई भी इधर की उधर नहीं करनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं, अपना पहला इंक डालते हैं यहाँ पर से। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये हटा लेते हैं येल्लो वाला। और मैंने यहाँ पर ये येल्लो वाली इंक निकाल ली। देख सकते हैं यहाँ पर Y है 673 और यहाँ पर कोड वर्ड भी सेम है दोस्तों 673। देख सकते हैं यहाँ पर और येल्लो। तो चलिए हम लोग येल्लो का यहाँ पर से निकाल लेते हैं। और जब भी आप लोग इंक ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप से ओपन होगी दोस्तों। ये इसको एक बार हिला लें अच्छे से। देख सकते हैं ये सील बंद है। अब हमें इसका सील यहाँ पर से ऐसे हटा लेना है। उसके बाद में यहाँ पर से ऐसे इसको लगा देना है।
ये लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रहे ये येलो वाला येलो में जाएगा। इसमें डाल के आप लोग थोड़ा थोड़ा ऐसे दबाना है, देख सकते हैं हमारे यहाँ पर ये भर गया। अब इसे हमें क्लोज करना है और वापस से इंक को हमें रख देना है। अब येलो के बाद में हमारा 673 ब्लैक, देख सकते हैं यहाँ पर कोडवर्ड है 673 BK और यहाँ पर हमारा कोडवर्ड है BK। तो सिंपली हमें इसे भी ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद में हमें इसका भी यहाँ पर से सील ऐसे हटा लेना है। अब हमें BK को यहाँ पर से रिमूव करना है और BK का इंक मेरे पास पहले से इसमें लोड है, फिर भी मैं इसमें से थोड़ा सा डाल देता हूँ। बस इतने से बहुत हो जाएगा। अब हमें इसको ऐसे ही रख देना है। अब BK वाले को ढक्कन को हमें लगा देना है यहाँ पर से। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैंने यहाँ पर सभी इंक यहाँ पर लोड कर दिया। लोड करने के बाद सिंपली आपको ये अच्छे से ढक्कन को बैठा लेना है ताकि कहीं पर लीकेज ना रहे। देख सकते हैं मैंने सभी ढक्कन बैठा दिया और गलती से यहाँ पर भी इंक गिर गया। तो सिंपली अब हमें इसको क्लोज कर देना है। अब देख सकते हैं हमारा यहाँ पर इंक टैंक लोड हो गया और मैं इसको यहाँ पर से ऐसे फिट कर लेता हूँ। फिट करने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर अपने प्रिंटर को एक बार स्टार्ट कर लेना है। देख सकते हैं हमारी लाइट अभी ब्लिंक कर रही है। मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से दिखा पाऊँ। देख सकते हैं हमारे ऑफ हो चुका है। ऑफ होने के बाद सिंपली अब हमें इसको रिस्टार्ट करना है। रिस्टार्ट होने के बाद में देख सकते हैं अभी यहाँ पर हमारा हेड भी ओपन घूम रहा है और यहाँ पर इंक लोड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। देख सकते हैं हमारा हेड यहाँ पर घूमने लग गया। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पर लोड हो चुका पूरा। यहाँ पर सब कुछ लाइट ब्लिंक करनी बंद कर दी है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर से आप लोग इंक वाला जो बटन होता है यहाँ पर, ये यह सेकेंड नंबर का, तो इसको आप लोग को देर तक आप प्रेस करके रखेंगे। देखना अभी आप, मैंने देर तक प्रेस किया है, अब ये वाइब्रेशन स्टार्ट हो गया, यहाँ पर ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गई। तो तब तक हमें इसको प्रेस अब हमें छोड़ देना है, अभी ऑटोमेटिक इंक लोड करेगा यहाँ पर। आवाज़ सुन सकते हैं आप। तो थोड़ी देर हमें ऐसे ये सुन सकते हैं आप लोग इसकी इंक लोड करने की आवाज़। बीच में यह हेड भी ओपन हो रहा है, घूम रहा है। और एक बार इसको अच्छे से इंक लोड होने हो जाने देना, इसके बाद में आप इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग को सिस्टम से इंक लोड करना है तो इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। तो उसके लिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक बार इंक लोड होने के बाद में ये ब्लिंकिंग ऑफ हो जाएगी और साथ में फिर आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर अगली वीडियो में आप लोग कमेंट करते हैं इस वीडियो में तो इसके बारे में आपको बता दूंगा इसको कैसे यूज करना है, इसके ड्राइवर्स कैसे पड़ेंगे पूरी डिटेल में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो अगली वीडियो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।